हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ पिंपल एंड एक्नी की प्रॉब्लम क्यों होती है एंड हम इसे होम रेमेडी से कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें कौन से फेस वॉश, सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर यूज़ करने चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन जरूर करें सो डैट आपको मेरे आने वाली वीडियो की अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे देन इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फर्स्टली, पिंपल एंड एक्नी क्यों होते हैं? गाइज, हमारे फेस, बैक, चेस्ट एंड शोल्डर पर बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। जब ये ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा ऑयल स्क्रीट करते हैं देन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं एंड वो ऑयल नॉर्मली आउट नहीं हो पाता, फिर उनमें किडनी बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई कर जाता है और इन्फेक्शन बढ़ने से पिंपल भी बढ़ जाते हैं। अनदर रीज़न, ऑयली प्रोडक्ट्स आर बहुत हैवी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट और ऑयल ही लगा लिया हो तो भी पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, देन भी एक्ने और पिंपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा स्वेट आने से उसे रिंस ना किया हो तो भी पिंपल्स हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स लेने से, हॉर्मोनल्स इंबैलेंस से तो भी पिंपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकेंडली, हम पिंपल एंड एक्ने की प्रॉब्लम को होम रेमेडी से कैसे ठीक कर सकते हैं? होम रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए फ्रेश नीम लीव्स, अगर ना मिले तो नीम पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। नीम हेल्प करती है पिंपल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट, कस्तूरी हल्दी और अम्बा हल्दी में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही फेस के लिए बेस्ट हैं। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है एंड जर्म्स को डाई करती है। इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, स्कार को रिड्यूस करती है और पिंपल्स के निशान भी धीरे धीरे चले जाते हैं। एलोवेरा जेल फ्रेश मिले तो बेस्ट है, ना मिले तो आप किसी भी ब्रांड का जो आपकी स्किन को सूट करे वो यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन को स्मूथ एंड पिंपल की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएं एंड इसको फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई करें। आफ्टर दैट इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दें। इसको वीक में 3 बार यूज़ करें बेटर रिजल्ट के लिए। एज़ यू कैन सी गाइज, मेरा मास्क ड्राई हो गया है। अब मैं इसको कोल्ड वाटर से क्लीन करूँगी। मास्क को रिमूव करते टाइम 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट हैंड से मसाज करें। फेस क्लीन करने के बाद 100% कॉटन टॉवल से सॉफ्ट सॉफ्ट डैप करके अपने फेस को ड्राई करें। फेस टॉवल अपना पर्सनल रखें एंड ओनली इसे फेस पर ही यूज़ करें। अब बात करते हैं एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम के लिए आपको कौन से फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट, फेस वॉश। ऐसे फेस वॉश यूज़ करने चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड, बेंजोलिक परोक्साइड एंड ग्लाइकोलिक एसिड एंड सल्फर इंग्रेडिएंट्स हों। ऐसे फेस वॉश यूज़ करने से ऑयल अनक्लॉग होने के साथ साथ पोर्स भी अनक्लॉग हो जाते हैं और पिंपल प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। नॉर्मली आपको अपना फेस 2 टाइम वॉश करना चाहिए। ऑलवेज सॉफ्ट हैंड से अपने फेस को वॉश करें, ज़्यादा हार्ड स्क्रब मत करें वरना पिंपल्स प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सनस्क्रीन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जेल बेस्ड बेटर रहेगा। ये आपको यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। यूवी रे से होने वाली प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन हो सकती है, दाग धब्बे बढ़ सकते हैं, इन सब से ये आपको प्रिवेंट करता है। मॉइस्चराइजर, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपके लिए ऑयल फ्री एंड नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर बेस्ट रहेगा ताकि आपकी एक्ने ग्लो ना हो एंड और भी ज़्यादा एक्टिवेट ना हो।
अब बात करते हैं गाइस, आपको क्या नहीं करना चाहिए अगर आपको स्टिल पेनफुल पिंपल और नॉर्मल पिंपल की प्रॉब्लम से परेशान हो। प्लीज़ अवॉइड हैवी मेकअप और क्रीम एंड ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट। डोंट टच एंड प्रिक द एक्ने प्रॉन स्किन, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ने से दाग धब्बे भी बढ़ सकते हैं। डोंट अप्लाई टूथपेस्ट, इससे स्किन जल सकती है और निशान बढ़ सकते हैं। फ़ोन को क्लीन रखें, फ़ोन पर बात करते टाइम उसे ईयर तक ही लगा कर सुने, उसे फेस की स्किन तक टच ना होने दें। पिलो कवर्स को टाइम टू टाइम वॉश करते रहें एंड अल्टरनेट डेज में उसे चेंज करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।